हेलो गाइज, जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है अमनदीप, आप सब देख रहे हैं इंडियन टेक एडवाइस यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लेज़र प्रिंटर के बारे में। देखिए, मार्केट में बहुत सारे लेज़र प्रिंटर होने के कारण हम कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें कौन सा वाला बाय करना चाहिए। तो आज की वीडियो पूरी इसी के ऊपर है कि आपको कौन सा प्रिंटर बाय करना चाहिए। प्रिंटर एक हमारे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है। जहाँ भी कागज़ कार्रवाई की बात आती है, वहाँ प्रिंटर हमारे लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, प्रिंटर दो टाइप के आते हैं, लेज़र और इंक जेट। ठीक है, तो इनके दोनों के अलग अलग बनाएंगे। बाकी आपको अगर कन्फ्यूज़न है कि मुझे लेज़र प्रिंटर खरीदना चाहिए या फिर इंक जेट, तो इसके लिए हमने पूरी अपनी बाइंग गाइड बना दी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर देख लीजिए उस वीडियो को, अगर आपको ये कन्फ्यूज़न है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका। बाकी आज की वीडियो में बात करने वाले बेस्ट 5 लेज़र प्रिंटर की। तो देखिए, लेज़र प्रिंटर के बारे में बताने से पहले आप सभी को बता दूं कि लेज़र प्रिंटर सेलेक्ट करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका आधा कन्फ्यूज़न तो यहीं दूर हो जाएगा और आप अपने लिए एक प्रिंटर खरीदने की पूरी तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने 10 पॉइंट्स तैयार किए हैं। नंबर 1, आपको मोनोक्रोम लेना चाहिए या फिर कलर प्रिंटर। तो यहाँ पर इसका उत्तर मैं यहीं दे देता हूँ, मोनोक्रोम प्रिंटर आपको लेना चाहिए अगर आप लेज़र प्रिंटर की बात करें। क्योंकि अगर आप कलर की तरफ जाएंगे तो इसका कलर बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और ज़्यादा इफ़िशेंट भी नहीं है। तो आपको ज़्यादातर करके अगर आपको कलर यूज़ करना है तो आप इंक जेट की तरफ ही ज़्यादा देखें। ठीक है, बाकी अगर आप लेज़र की तरफ देख रहे हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट की तरफ देखें, सबसे अच्छा वो रहेगा। उसके बाद में आता है टाइप ऑफ फंक्शंस। लेज़र प्रिंटर खरीदते समय उसके फंक्शंस आपको देखने ज़रूरी हैं कि सिंगल फंक्शनल है या फिर ऑल इन वन है, यानी इसके अंदर प्रिंट, स्कैन और आपको क्या कॉपी की ज़रूरत है या फिर ओनली आपको प्रिंट आउट की ज़रूरत है। तो उस अनुसार सेलेक्ट कर लें कि आपको कौन सा वाला प्रिंटर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आप पेपर साइज़ सपोर्ट को देखें। ज़्यादातर जो प्रिंटर आते हैं वो A4 साइज़ के ऊपर आते हैं, फिर भी कई लोगों को लीगल पेपर की ज़रूरत होती है स्कैनिंग वगैरह की। अगर आपको लीगल वगैरह की ज़रूरत है तो आप वो लें। बाकी A4 साइज़ से नीचे के जो भी पेपर्स आते हैं, A4, B4, A5, A3 जो भी आते हैं, जो अपने लीगल लेटर पेपर वगैरह, वो सारे इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है सब में लगभग। उसके आता है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी के 2-3 ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको सिंपल अपने कंप्यूटर में लगाना है और फोटोकॉपी वगैरह का काम है तो आप USB ओनली ले सकते हैं। वहीं अगर आपको अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करना है और अपने PC से, लैपटॉप से भी कनेक्ट करना है तो आप वाईफाई प्रिंटर ले लें। वहीं आप एक प्रिंटर से बहुत सारे प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप नेटवर्क का भी ऑप्शन देख सकते हैं, लैन का। ठीक है, तो ये कनेक्टिविटी की बात होगी। उसके बाद में आता है यूजिबिलिटी। आपके ये ध्यान में रखना है कि आपका यूज कौन कौन करेगा और ईजी टू यूज प्रिंटर हो, इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। तो ये एक चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद में आता है सबसे मेन, कॉस्ट पर पेज। ठीक है, तो देखिए, प्रिंटर एक बार आपको बाय करना है, एक बार इन्वेस्ट करना है, लेकिन आपको पेज बार बार निकालने हैं। तो उस अनुसार आप देखें कि आपको कितने पेज की ज़रूरत है और कितने पेज आपको निकालना है। तो उस अनुसार उसकी कॉस्ट आप देखें और उस कॉस्ट के अनुसार आप पर पेज कॉस्ट के अनुसार प्रिंटर सेलेक्ट करें। बाकी आगे मैं आपको हर प्रकार के प्रिंटर बताऊंगा कॉस्ट के हिसाब से। उसके बाद में आता है पर पेज स्पीड। तो स्पीड भी बहुत डिपेंड करती है आपके प्रिंटर की, कि क्या स्पीड निकाल रहा है और क्या क्या प्रिंट के ऑप्शंस दे रहा है, डुअल साइड दे रहा है या फिर मैनुअल डुअल है, ID वगैरह के ऑप्शन दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है पावर कंजप्शन। तो प्रिंटर की पावर कंजप्शन भी आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो पावर कंजप्शन का भी आपको ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद में आता है प्रिंटर की साइज़। आपको अगर प्रिंटर अपने साथ बार बार कैरी करना होता है तो आप छोटे साइज़ का प्रिंटर लो, या फिर आपके स्पेस कम है तो छोटे साइज़ का, या फिर आपके पास में अच्छा खासा स्पेस है तो आप उस अनुसार प्रिंटर ले लो। ठीक है, उसके बाद में आता है ड्यूटी साइकिल। तो हर प्रिंटर के साथ में कंपनी ड्यूटी साइकिल बताती है कि कितने पेज हम रिकमेंडेड करते हैं पर मंथ। तो उस चीज़ को आप देखिए, आपको कितने पेज निकालने हैं, और उस चीज़ को देख के फिर तय करिए कि कौन सा प्रिंटर लेना है। अब बात कर लेते हैं हमारे बेस्ट 5 प्रिंटर्स की, कौन कौन से प्रिंटर हमने यहाँ पर सेलेक्ट करे हैं और क्यों करे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, नंबर 1 पे हमने लिया है HP का 1005 प्रिंटर। आप सब ने बहुत ज़्यादा सुना होगा इस प्रिंटर के बारे में, सुना नहीं होगा तो आपने देखा भी बहुत जगह होगा, क्योंकि ये प्रिंटर बहुत ही ज़्यादा चलन में रहने वाला प्रिंटर रहा है। और अगर अभी इसकी बात करें तो अभी इस प्रिंटर की प्राइस है 18,000 रुपये, और मैंने इसे पर्सनली यूज करा है। उस टाइम पे 2017 में मैंने इसे ख़रीदा था 14,000 रुपये के आसपास में। तो इसके प्रिंटर के प्राइस बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी एक तो लॉकडाउन के बाद और चाइना की जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसकी वजह से, ये एक चाइनीज़ कंपनी होने के कारण इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये एक इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, बाकी इस प्रिंटर के अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये एक मोनोक्रोम प्रिंटर है, ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है। ठीक है, ऑल इन वन फीचर्स हैं इसके अंदर। आपको
प्रिंट, स्कैन, कॉपी के और तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर प्रिंट आउट की बात करें तो आपको मैनुअली डुअल साइड करना होगा, इसके अंदर डुप्लेक्स का ऑप्शन नहीं आता है। उसके अलावा A4 सपोर्टेड है ये, ठीक है, यानी A4 से नीचे के जो भी फोटोकॉपीज होती हैं या फिर प्रिंट आउट होती हैं वो आप आराम से निकाल पाएंगे इसके अंदर। उसके अलावा अगर प्रिंट आउट अगर आप लीगल में भी निकालना चाहें तो प्रिंट आउट लीगल का भी निकल जाएगा। उसके बाद में आता है इसके अंदर कनेक्टिविटी की बात, तो कनेक्टिविटी ये USB ओनली है, ठीक है। और अगर बात करें यूजिंग की तो ईजी टू यूज है, बटन कंट्रोल पैनल आपको मिलता है, दो तीन ऑप्शंस मिलते हैं, आराम से आप इसे यूज कर पाएंगे हर कोई, बिगनर भी। उसके बाद में आते हैं प्रिंट कॉस्ट की, तो 1.4 पैसे के आसपास इसकी ओरिजिनल कार्टेज से कॉस्टिंग आती है। उसके अलावा अगर आप इसके अंदर अपने डुप्लीकेट इंक डालें या फिर जो स्याही डालें तो आपकी कॉस्ट और भी डाउन हो जाएगी, तो आप आराम से यूज कर सकते हैं, रफ एंड टफ प्रिंटर है ये। उसके अलावा अगर इसकी स्पीड की बात करें तो 14-15 पेज आराम से ये पर मिनट निकाल के दे देगा आपको। उसके अलावा अगर कंजप्शन की बात करें तो 230 वोट कंपनी इसका बताती है ऑपरेटिंग टाइम के अंदर। उसके अलावा अगर इसकी साइज़ की बात हम कर लें तो 60 सेमी × 40 × 39 सेमी इसका डेमिनेशन है, और 5000 पेज के आसपास में कंपनी इसका आपको बताती है ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो ये था HP का 1005 प्रिंटर। अगर इसकी मैं बात करूँ तो अगर आपकी कोई फोटोकॉपी वगैरह की दुकान है और आप ज़्यादा ही ज़रूरत है तो आप इस प्रिंटर की तरफ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रिंटर है, लॉन्ग टाइम यूजेस के लिए प्रिंटर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप आराम से, कोई भी प्रॉब्लम आएगी आराम से घर पे ही काम कर पाएंगे, कोई आपको मैकेनिक वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आराम से आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ही पेजेस की ज़रूरत है। बाकी आप नेक्स्ट की तरफ देख सकते हैं अगर आपका पर्सनल है तो। नेक्स्ट पे हमारे पास में ब्रोदर का DCP B7500D प्रिंटर। अगर इस प्रिंटर की बात करें तो ये प्रिंटर आपको मिल जाता है 15,000 रुपये में। सभी प्रिंटर्स के बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आराम से जाकर उनके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, फिर बाय कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक मोनोक्रोम प्रिंटर है, ऑल इन वन प्रिंटर है, इसके साथ में डुप्लेक्स ऑप्शन भी मिल जाता है, 2-in-1 ID का ऑप्शन भी मिल जा सकता है, यानी आप ID का प्रिंट आउट भी आराम से एक बार में ही निकाल सकते हैं, आपको बार बार मतलब पलटने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको A4 साइज़ का ऑप्शन इसके अंदर मिलता है, यानी A4 साइज़ के जो भी प्रिंट आउट हैं वो आपको आराम से इसमें निकल जाते हैं। ट्रे की बात करें तो आउटपुट में आप 160 पेज एक बार में निकाल सकते हैं, और इनपुट की बात करें तो 250 पेज की ट्रे आपको इसके अंदर मिल जाती है। उसके अलावा USB कनेक्टिविटी आपको इसमें मिलती है, वाईफाई नहीं मिलती है, ईजी टू यूज है, कंट्रोल पैनल आपको इसमें भी मिलता है, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये कॉस्ट इफिशियंट प्रिंटर है, क्योंकि इसके जो प्रिंट आउट की बात करें पर पेज 0.36 ओरिजिनल कार्टेज के साथ में आता है, यानी 36 पैसे के आसपास कॉस्ट आती है, क्योंकि जो इसका आपको ड्रम मिलता है यानी इंक टैंक मिलता है वो आप अलग से बाय कर सकते हैं, और उसकी जो कॉस्ट है वो ओनली 940 रुपये है, और 2600-2700 पेज आराम से ये निकाल के दे देता है, तो 36 पैसे 33 पैसे के आसपास इसकी कॉस्ट आती है। उसके अलावा अगर पर पेज स्पीड की बात करें तो 34 पेज पर पेज आप निकाल सकते हैं इसके अंदर, और अगर साइज़ की बात करें तो 39.9 सेमी × 41 × 27.2 इसका डेमिनेशन है, और 1500 पेज के आसपास से कंपनी रिकमेंडेड करती है पर मंथ इसकी। तो यानी अगर आपका पर्सनल यूजेस है और आप एक प्रिंट आउट प्रिंटर लेना चाह रहे हैं तो आप इसकी तरफ देखिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रिंटर है। मैंने इसकी और HP 1005 की दोनों का कंपेरिजन भी किया था, और सबकी सेपरेट वीडियो दोनों की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं हमारे नंबर 3 प्रिंटर की। तो नंबर 3 पे हमारे पास में है कैनन का MF244DW प्रिंटर, और इसकी बात करें तो 21,500 रुपये में आपको अमेजन पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और रिपब्लिक कोरियर ऑर्गेनिक कंपनी है इसकी, और ये भी एक मोनोक्रोम प्रिंटर है, ऑल इन वन फीचर्स के साथ में आता है, और सबसे अच्छी बात इसके साथ में ये है 350 पेज की आपको ऑटो फ्लोटर मिल जाता है इसके अंदर, डॉक्यूमेंट फ्लोटर, यानी एक बार में फोटोकॉपी लगाइए अपने आप ये स्कैन करेगा और आपको प्रिंट आउट दे देगा, ऑटो डुप्लेक्स भी आपको इसमें मिल जाता है, A4 और लीगल प्रिंट आउट आपको ये दे देता है, और इसके अंदर जो है अगर कंट्रोल पैनल की बात करें तो थोड़े से ज़्यादा आपको बटन्स मिलते हैं और फीचर्स मिलते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है यूज करना, लेकिन आप अगर रेगुलर यूज करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। और बात करें पर पेज कॉस्ट की तो 1.5 पैसे के आसपास में इसकी कॉस्ट आती है ओरिजिनल कार्टेज के साथ में। उसके अलावा 27 पेज पर मिनट की ये आपको स्पीड दे देता है, और इसकी डेमिनेशन की बात करें तो 39 सेमी × 37 सेमी × 36 सेमी मिलता है, और 12.5 kg के आसपास का इसका वेट है, 15,000 पेज आप इसमें पर मंथ निकाल सकते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास में है सिंगल फंक्शनल पेंटिनियम का
P2500W प्रिंटर, और इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 8000 के आसपास आपको अमेजोन पे ये मिल जाएगा। अगर इसकी बात करें तो एक मोनोक्रोम प्रिंटर है, सिंगल फंक्शनल प्रिंटर है, यानी ओनली आप इसके अंदर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। A4 साइज सपोर्टर है, वाईफाई और USB दोनों ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। 1.4 पेज के आसपास में कॉस्ट आती है, 20 पेज की आपको स्पीड दे देता है पर पेज पर मिनट, और 33.7 × 22 × 17.8 सेमी आपका डेमिनेशन है, और 5.7 kg का वेट है इसका, और 15000 पेज आप पर मंथ इसके अंदर हम निकाल सकते हैं। और अगर बात करें नंबर 5 और हमारे लास्ट की, तो नंबर 5 पे हमारे पास में है कैनन का इमेज LVP2900B प्रिंटर, और इस प्रिंटर की बात करें तो ये सिंगल फंक्शनल मोनोक्रोम प्रिंटर है, A4 साइज, USB आपको मिलती है, 12 पेज पर मिनट आपको निकाल के दे देता है, और 1.5 पैसे पर पेज के आसपास इसकी कॉस्ट आती है। तो गाइज ये थे हमारे कुछ प्रिंटर जिनके बारे में हमने आपको बताया। तो अगर आपको समझ में आया हो और आपने अपने लिए एक प्रिंटर सेलेक्ट हो गया हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपका कोई भी सवाल रह गया हो, सुझाव रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करना। तो गाइज़ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।